हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मसल मशीन। एंड आज दिन है संडे एंड शाम हो रही है अभी। तो पहले भी जैसा बोलते थे कि नो संडे विदाउट अ राइड, तो आज वही कर रहे हैं। सुबह बारिश हो रही थी तो सुबह निकल नहीं पाए थे एंड ऐसे ही। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो सबसे पहला काम है पेट्रोल भराना। तो उसके लिए हम लोग पहले जाएंगे, इस बार नामकुम होते हुए रिंग रोड जा रहे हैं। एंड लास्ट संडे भी आप लोगों को वीडियो नहीं मिला था, मैंने ऐसे ही एक वीडियो था। लास्ट संडे मैं निकला था, सही था आरसी लेके, लेकिन उस दिन बारिश कुछ ज़्यादा हो रही थी तो उस दिन कैमरा नहीं लिया था मैंने। तो आज वापस एक नए व्लॉग के साथ हम निकले हुए घर से। तो अभी रिंग रोड जाएंगे एंड वैसे भी 2-3 हफ्ते हो गए बाइक को मैंने हाथ नहीं लगाई थी, निंजा को, तो मेरे को ही अजीब लग रहा था। तो सबसे पहले रिफ्यूल करेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। देखिए जो लोग आप लोग रांची से हैं, तो अभी फ्राइडे को ही एक बहुत बुरी खबर मिली है। स्ने गाड़ी एंड डॉक्टर देवाशीष एंड स्ने का भाई और भी एक या दो लोग थे जिनके अभी फ्राइडे को डूब के डेथ हो गई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा ही शॉकिंग न्यूज़ थी। तो कल वैसे भी कल जब शाम में ये खबर मिली थी सैटरडे को, तो दिमाग ऐसे ही घुमा हुआ था क्योंकि थे मतलब एज अ पर्सन जानता था एक को, तो काफ़ी बुरा लग रहा था कि ऐसे अचानक से। तो वही काफ़ी लोगों का आया भी था स्टोरीज में, मैंने देखा था कि लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, तो वो बात तो एकदम सही है। क्योंकि सुबह ही ऐसे ही हल्की फुल्की इंस्टा पे ही बात होती थी, तो उसमें ऐसे ही हम लोग मोस्टली रील शेयर करते थे एक दूसरे को। तो ऐसे ही फ्राइडे की सुबह सुबह ही एक रील आया था, तो खूब उसमें हंस रहे थे और क्या पता था कि वो आखिरी रील होगा उनके साइड से। तो जब खबर मिली कल तो एकदम दिमाग घुमा हुआ था। तो जब भी है लाइफ को एंजॉय करिए, बस वही अपने साइड से प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि क्या पता अभी कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता रहता। बस अपने साइड से थोड़ा सेफ्टी लेकर चलिएगा। चलिए आज हम थोड़े दूसरे जगह से पेट्रोल भरा रहे, वो इसलिए क्योंकि उस साइड जाने का मन नहीं कर रहा था, BPCL का जहाँ से हम भराते हैं अक्सर। चलो अभी यहाँ पेट्रोल पंप से निकल रहे, पेट्रोल पंप से निकाले, थोड़ा पेट्रोल भरा लिए एंड उसके बाद ये पोल्यूशन पेपर भी बनवाना था तो वो भी बनवा लिए, अब टेंशन फ्री होकर घूमेंगे। लास्ट वीकेंड भी इंडिपेंडेंस डे राइड थी, तो काफ़ी दोस्तों ने बोला कि क्या यूट्यूबर बनेगा कि इंडिपेंडेंस डे है और तुम राइड पे नहीं निकला। तो अब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी तो उसी के लिए राइड पे नहीं निकले थे। अब राइड से ज़्यादा ज़रूरी तो अपनी तबीयत है ना, तो उसी के लिए इंडिपेंडेंस डे राइड नहीं थी। और मैं खुद अवॉइड कर रहा था क्योंकि अगर निकल लेता भले ही RC से ही क्यों ना निकलता, तो उस दिन लोगों में अलग टाइप का जोश रहता। इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और हुआ भी था। जैसे जो जो फ्रेंड्स जो थे, जो लोग गए थे इधर उधर राइड पे, तो किसी ना किसी का एक्सीडेंट का सुन ही रहे थे खबर। तो उसी के लिए मैं पर्सनली अवॉइड करता ऐसे राइड्स। उसके बाद लास्ट वीक भी मौसम ऐसा ही था, वीकडेज में अराउंड अच्छी खासी धूप निकली थी एंड अचानक से क्या हुआ थर्सडे फ्राइडे को इतनी बारिश हो रही थी। आज सुबह भी देख के लग रहा था कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन किस्मत अच्छी कि मौसम अच्छा हुआ और हम निकल लिया। ये चीज़ मेरे को इतने दिन से चाहिए थी ना, मतलब 10 दिन से ये बाइक जो पार्किंग में खड़ी थी तो खुद का दिमाग घुमा हुआ था यार कब चलाने का मौका मिलेगा, कब मौसम अच्छा लगेगा। तो एक बार तो है, अभी हाल फिलहाल में एक रील काफ़ी ट्रेंडिंग है कि अगर आपको गाड़ी की शौक़ है तो वही बात है। तो अभी गाड़ी का शौक है तो लिया तो है तो उसको यूज़ भी करना है, और अगर यूज़ नहीं कर रहे होते तो घर बैठे बैठे ऐसे ही दिमाग घूम रहा होता है कि यार कब चलाने का मौका मिलेगा। अरे यार इधर नामकुम आते ही मौसम ख़राब हो रहा है, प्लीज़ आज मौसम ख़राब ना हो। जो बाइक की पावर है मज़ा आ जाता है, दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है।
एंड दिस इज़ वाई वी राइड, जो कि एक पुराना लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था, जो एक गाने के साथ मैंने एडिट कर लिया था, तो उसमें यही किया था कि दिस इज़ वाई वी राइड, कि चाहे कुछ भी हो, राइड एक ऐसी चीज़ है कि पूरा दिमाग शांत हो जाता है। शौकीन तो काफ़ी लोग हैं, तो अभी वैसे ही पीछे हम रुके थे स्पीड ब्रेकर में, तो दो लोग उछाल के और शायद अभी पीछा कर ही रहे कि बाइक का वीडियो बनाना है। चलो अभी ट्रैफिक है तो वैसे भी भगा नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे ही चलते हैं। अब आगे से हम मुड़ेंगे लेफ्ट नामकुम कैंट की तरफ और वहाँ से हम बढ़ेंगे रिंग रोड, और रिंग रोड में फिर मज़ा किया जाएगा। हेलमेट में किसी को नहीं पहचान पाते। रुको आगे चलो, रुको आ रहे उधर, रोक इधर, रोकना इधर इधर। चलो जो पीछे खींच रहे थे तो वो असल में मेरे को जानता था, तो उसने बोला नाम से, जब बोला मेरे को सौरभ भैया, तो चलो मिल ही लेते हैं। अभी हेलमेट में मैं किसी को नहीं पहचानता। अमीर का दोस्त? हाँ अमीर का दोस्त। अच्छा अच्छा, हाय हाय। मीर तो जिम में मिलते रहते हैं, तो वही तुम्हारा आइडिया नहीं था, देख के मजा आ गया भैया। थैंक यू थैंक यू। और कहाँ जा रहे हैं? रिंग रोड, मतलब बहुत टाइम से निकाले नहीं है, तो आज सोचे कि निकलते हैं। वो तभी से आरसी निकाल रहे थे ना? हाँ, बारिश के चक्कर में आरसी निकाल रहे थे, तो आज मौका मिल गया, धूप निकली है, तो सोचे चलो निकलते हैं। एक फोटो ले सकते हैं? आओ ना, मैं इधर ही जा रहा हूँ, रिंग रोड की तरफ जा रहा हूँ। तुम लोग किस साइड जा रहे हो? चलो वो आर्मी कैंट के पास। ये मेरे जिम में एक बंदा है मिहिर, उसी का फ्रेंड थे, तो वो लोग मेरे को पहचान लिए। अब मैं पहली बार मिल रहा था तो मेरे को आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि मिहिर का फ्रेंड है, तो बोले चलो। अभी ये लोग भी इसी साइड आ रहे थे, तो आगे जाके उनको फ़ोटोज़ खींचना है, तो वो क्लिक कर लेंगे, फिर मैं अपना राइड के लिए आगे बढ़ूँगा। चलो अभी जब तक दोनों हैं तो धीरे धीरे ही जाएंगे। नहीं तो पता चला वो दोनों गायब हो गए और मैं आगे गायब। वैसे मिलता हूँ जैसे मेरी मीर के फ्रेंड है दोनों, मेरे को अपना बचपन याद आता है कि स्कूल में थे तो उस समय ऑटो कार एंड बाइक्स मैगजीन आती थी, तो वो काफ़ी ख़रीदता था और सोचता था कि एक दिन खरीदूँगा एक दिन खरीदूँगा। तो वही अभी पीछे पीछे है दोनों बाइक पर, पीछे जो बैठा है वो कैमरा में रिकॉर्डिंग कर रहा है, एंड आगे जाके रुकेंगे कहीं एंड वो लोग फ़ोटोज़ ले लेंगे अपने, और फिर मैं आगे निकल लूँगा अकेले। एंड उसके बाद एक बंदा है नीरज कुजूर करके, तो वो भी काफ़ी टाइम से, वो तो काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहा था, तो मैंने बोला था कि बाई चांस मैं उस साइड आऊँगा तो मिल लूँगा मैं, तो आज उसी साइड जाने का प्लान कर रहा, तो उससे मिल लूँगा। और ऐसे ही एक और बंदा है आदित्य, तो उसको मैं जल्दी मिलूँगा। वो बोल रहा है भैया अगर धुरवा डैम के साइड आइएगा तो बताइएगा, तो देखते हैं अभी कभी जाऊंगा तो कर लूँगा तब उस जगह। हाँ तो अभी जैसा देख रहे हैं आप रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो मैं पीस वाली, क्योंकि फ़ोटो भी तो अपनी अच्छी आनी चाहिए, तो वही चीज़ है। तो अभी यहीं किसी जगह रुक के 5 मिनट जैसा रुक जाएंगे, ये लोग फ़ोटो वोटो खींच लेंगे, उसके बाद मैं अपनी राइड आगे कंटिन्यू करूँगा अकेले। तो आगे खाली जगह है तो वहीं रुकूंगा। इधर खाली है तो इसी जगह रुकूंगा, फिर मैं आगे निकल लूंगा यहाँ से। मजा आ गया भैया। तुम लोग उधर आए ओवरटेक किए, कैमरा जैसे निकला था मैं सोचा करके, फिर निकल गया था, लेकिन वही जगह नहीं मिल रही थी तो धीरे करना पड़ रहा था। अभी व्लॉग ही बना रहे थे। हाँ तुम लोग हो उसमें अभी। तुम लोग मिहिर के क्लासमेट्स हो? मिहिर हो सकते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा अब किसका नाम क्या है? मेरा नाम अवनीश, इसका नाम आयुष। अवनीश आयुष, ओके। तो साथ में राइड करते हो भैया? नहीं वो थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि अभी देखे आगे पार हुए तुम लोग बिना देखे भगा रहे थे,
बस चेज करने के लिए, तो वो चीज होता है अक्सर, तो उसमें मेरे को खतरा नहीं है, तुम लोग के लिए थोड़ा खतरा हो जाता है, क्योंकि अभी आवाज सुन के ना कभी कभार वो अंदर से आता है कि यार चेज करना चेज करना चेज करना, उसी के लिए अवॉइड करते हैं। अचानक से हो गया ना, तो उसी के लिए फिर बोले कि रुक जाते हैं और फिर ले लेते हैं, लेना है आ जाओ, चलो बाय बाय। तो आज मैंने बता दिया कि मैं राइड क्यों अवॉइड करता हूँ ग्रुप में, तो उसका मेन रीज़न ये है कि आवाज़ सुन के अक्सर लोग जोश में आ जाते हैं और फिर भगाने लगते हैं। एंड एक चीज़ हमें हमेशा याद रहनी चाहिए कि बाइक की कैपेबिलिटी कितनी है, एंड ये चीज़ ऐसे है कि प्रोवोक करती है, भले ही आप इसमें बैठे तो हद से ज़्यादा प्रोवोक करती है, एंड साइड से भी अगर आवाज़ सुन ली है तो वो भी प्रोवोक करता है काफ़ी ज़्यादा। क्या मौसम है यार, मज़ा आ रहा है, चलो अब निकलते हैं आगे। भाई साहब ये बारिश के कारण ना बहुत जगह पेड़ गिरा है, एंड कल लाइट भी नहीं थी काफ़ी जगह बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए, तो उसका मेन रीज़न यही है कि पेड़ काफ़ी गिरे हुए हैं। चलो एक जगह तो खिंचा मारेंगे रिंग रोड में, तो उससे पहले बैग वैग सब सेट कर लेते हैं कि बैग खुला ना हो और सारी चेन सब बंद हो, और बंदे इसको भी टाइट कर लेंगे। एक बार मेरे साथ केस हुआ था, मैं जा रहा था कहीं बैग लेके घर से निकला तो था, लेकिन पार्किंग में बैग छोड़ दिया था मैंने, एंड उसके बाद ऐसे ही रिंग रोड में भगा रहा था, अचानक से मैंने देखा कि यार बैग कहाँ है, तो मैं एकदम टेंशन में। लेकिन उस दिन एक चीज़ अच्छा किया था कि वॉलेट अपने पॉकेट में रखा हुआ था मैंने, ना कि अपने बैग में, नहीं तो अक्सर मैं क्या करता कि बैग में ही वॉलेट रख के छोड़ देता। जब पता चला कि बैग मैंने घर में छोड़ा है तो जान में जाना ही, मैं तो उस दिन डर गया था कि यार भगा रहे थे कहीं बैग उड़ तो नहीं गया, तो आज वही रुक के चेक कर रहे थे कि यार सही है, मतलब बैग सेफ रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो क्या है आज बैग में गोप्रो का किट भी है, क्या मन क्या आज ऐसे बारिश का था तो सोचे कि बैग में रख लेते हैं, और रेन कवर भी ले लिया मैंने कि कुछ हो खुद भीग जाएंगे तो चलेगा, गोप्रो को कुछ नहीं होना चाहिए। आज सोच रहा हूँ कि निकला हूँ तो आदित्य से भी मिल ही लेता हूँ, अब देखते हैं, अभी नीरज के पास जाऊँगा उस साइड जाऊँगा, उसको बता तो दिया है मैं आऊँगा उस साइड, तो उससे मिलने के बाद वहीं पहुँच के ही आदित्य को भी बता दूँगा कि मैं उस साइड आऊँगा आज, तो उससे भी मिल ही लूँगा, नहीं तो पता नहीं अब फिर कब मौका मिलेगा, अभी तो एक तो मौसम का भी कुछ पक्का नहीं रहता है कब कैसा मौसम रहेगा। चलो अब थोड़ा स्पोर्ट मोड में डाल लेते हैं, उसके बाद मन किया तो एक है यहाँ बाइकर्स कैफे, तो मन किया तो वहाँ भी वापस आते टाइम घुस लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे ही रिंग रोड साइड आता हूँ तो कभी कभार कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि शांत जगह में एकदम बैठने का मौका मिलता है। अब भगाएंगे इधर, मेरा हाथ उड़ रहा है, मौसम बहुत ही सही हुआ है, बस ऐसे ही मौसम रहे ना कि मतलब हल्के बादल हवा चल रही है धूप नहीं, तो ऐसे में राइड करने का जो मज़ा है वो भी एकदम अलग है। अभी रिंग रोड है तो यहाँ ट्रैफिक का टेंशन नहीं है, तो जो मैं पहले बोलता था कि सुबह हम लोग अगर निकलते हैं तो मतलब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता उसके कारण, वो इसलिए क्योंकि पतरातू जाते हैं तो उधर धीरे धीरे करके जाम होने लगता है, एंड अभी इस बार पतरातू नहीं गए क्योंकि दिन में तो अभी एक तो हाल फिलहाल मतलब कुछ दिन कल परसों में ही वो इंसिडेंट हुआ है जिसके कारण मन भी ख़राब है, तो पतरातू जाने का मन नहीं कर रहा है, एंड दूसरा रीज़न है कि अगर उधर जाएंगे भी अभी तो संडे को काफ़ी लोग कार लेके आ जाते हैं, तो भीड़ रहेगी, तो उसके बाद भी वहाँ जाना में मतलब बहुत ट्रैफिक मिलेगा, तो उसी के लिए नहीं जा रहे, तो रिंग रोड में तो अपने को टेंशन नहीं है, बस वही है संभल के चलाना पड़ता है, क्योंकि ये जो इतनी चौड़ी सड़क है ना 3 लेन की, तो इसको देख के भी यार इतना पावर है
तो चलो मज़े लेते हैं, लेकिन वही है कि पावर के साथ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि अपनी सेफ्टी के साथ दूसरों की भी सेफ्टी देखनी है। स्लो स्लो में बह नहीं जाना है, क्योंकि अभी 213 घोड़े मेरे नीचे है, तो 213 घोड़ों को संभालने के लिए थोड़ा अपने आप को भी संभालना पड़ेगा पहले। कभी कभार ऐसे क्रूजिंग स्पीड में भी मज़ा आता है, आराम से 60-70 की स्पीड, या इसके हिसाब से 100 भी क्रूजिंग स्पीड ही होती है, क्योंकि अब बाइक ऐसी है कि कंट्रोल हो जाती है, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छा है, तो मज़ा आता है उसमें। कभी कभार ऐसे ही मज़ा आता है, मतलब तेज़ मत चलाओ, धीरे धीरे बस मौसम का मज़ा लेते हुए जाओ, तो ये भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं कभी कभार। हाँ, और एक चीज़ मैं बोल रहा आज, अक्सर मैं इतना बोलता कि यार राइडिंग गियर पहन के चलो, तो आज ऐसे ही मन नहीं कर रहा था, और ट्रैफिक भी था तो राइडिंग गियर नहीं पहना, तो ये मेरे साइड से बहुत गलती, बड़ी गलती है, तो इसके लिए सॉरी। तो आप लोग जब भी निकले तो राइडिंग गियर निकले। अब मैंने क्या किया है, मैंने बस एक ग्लव्स पहन लिया है राइडिंग गियर के नाम पर, और हेलमेट तो रहता ही हमेशा, और साथ में टी शर्ट है और शूज़ है, तो उसके लिए सॉरी, आगे से ये चीज़ नहीं करूँगा मैं। मज़ा आ रहा है। सब बढ़िया। कहाँ गए थे? अभी आ रहे, रिंग रोड से आ रहे। रिंग रोड ही? अभी कहाँ चले आप? हाँ? कहाँ से आप? रांची। रांची से? रांची में कौन सा एरिया? लालपुर। लालपुर? ओ, अभी जस्ट निकले हैं वहाँ से। हाँ, नाम कौन होते हुए आ रहे इधर? अभी कहाँ तक चलिएगा? दल्ला दिल्ली से यू टर्न लेंगे। ओ, अकेले आप? और दोस्त? दोस्त आज नहीं निकला, तो आज अकेले अकेले निकल रहे हैं। और तुम लोग आ रहे हो अभी? आ रहे हैं ना? आपका यूट्यूब चैनल? हाँ, मसल एंड मशीन, मसल एंड मशीन करके है। कहाँ पैर एकदम कादो कादो करके आया? अरे अरे, दुबई में 9 बजे ही निकले हैं, तब से अभी तक वॉलीबॉल वॉलीबॉल ही, अभी फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। अभी अब खेलते जा रहे हैं ना, जगन्नाथपुर? अच्छा अच्छा, बस वहीं जा रहे हैं फुटबॉल खेलने। चलो बाय बाय। तो क्रूजिंग स्पीड का मज़ा लेते लेते भाई लोग मिल गए थे, तो बोल रहे थे तो रुक के थोड़ा मोड़ा बात कर लिया। तो क्रूजिंग स्पीड में चलने का यही होता है फ़ायदा, कि लोग मिल जाते हैं, क्योंकि अब मान लीजिए मैं हाई स्पीड में हूँ तो पता ही नहीं चलेगा, बस लोगों को आवाज़ आई और मैं पार। तो क्रूजिंग स्पीड का ये भी एक बेनिफिट है कि थोड़ा मिलना जुलना हो जाता है लोगों से। ऐसे मैं अभी स्पोर्ट मोड में हूँ तो ट्रैक्शन तो कमी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड कर ही देता हूँ, अभी ट्रैक्शन की बात उठी गई है तो बहुत टाइम अपने एक बार एक वीडियो में मैं बोल रहा था कि अलग अलग राइडिंग मोड्स है, उसमें ट्रैक्शन भी थोड़ा लेवल अलग अलग रहता है। तो ट्रैक्शन असल में क्या है कि अभी जैसे ये हाई पावर है, बहुत हद से ज़्यादा पावर है, तो ऑप्शन ऑफ करने का भी है, लेकिन वही है कि अगर सडन एक्सेलरेशन में क्या करते हैं कि पीछे का टायर उसी जगह स्पिन होगा एंड उसके बाद फिर आप ड्रिफ्ट करते हुए दाएं बाएं होते हुए अब आगे जा रहे हैं, तो डिसबैलेंस होगा। मतलब पुरानी बाइक में ऐसा होता था कि आप एक्सेलरेट करने के लिए कर रहे हैं, बाइक हल्की से झुकी हुई और बाइक घूम के गिर गई। तो ट्रैक्शन वही चीज़ करता है कि जैसे ही उसको सेंसर को डिटेक्ट होता है कि व्हील स्पिन हो रहा है तो वो पावर कट कर देता है। तो इधर एक लाइट है, किसी किसी वीडियो में स्पीडोमीटर तो मैं छिपा देता हूँ, लेकिन ये वाला पार्ट रहता है, तो कभी कभार आप येलो लाइट वहाँ ब्लिंक करते हुए देखेंगे तो वो असल में ट्रैक्शन ऑन हो रहा है। तो जो पावर कट करता है ना, वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होता है, लेकिन वो व्हील स्पिन को अवॉइड कर देता है, तो वो भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। तो अभी स्पोर्ट मोड में जो है तो ट्रैक्शन मिनिमम पे है, ऑफ नहीं है। ऑफ करना होगा तो जो यूज़र एडजस्टेबल राइडिंग मोड में है मुझे उसमें एक सेट करना होगा ऑफ करने का, तो मैं जनरली वो ऑफ नहीं करता। जनरली क्या, मैं ऑफ ही नहीं करता,
रहूँगा तो पीसेट है उसी में चलाऊँगा, क्योंकि ये बाइक भी ऐसी है कि जहाँ लगता है कि समझ गया अब उस बाइक को, वहीं कुछ ना कुछ करती है। मतलब कुछ नया करके दिखाएगी ये बाइक कि मैं बोलूँगा यार अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो उसी वही सब धीरे 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 करके अपनी राइडिंग स्टाइल भी इम्प्रूव कर रहा है सर इस पर। चलो अभी हम यहाँ ध्रुवा डैम के पास पहुँच रहे हैं रिंग रोड। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो नीरज हमारा वेट कर रहा होगा, फिर उसके साथ 5-10 मिनट रुकेंगे, बात करेंगे और फिर निकल लेंगे। और वहीं से आदित्य से भी पूछ लेंगे कि भाई अगर फ्री हो तो आ जाओ काम करते हैं। इतनी स्पीड है तो मैं क्रूज कंट्रोल क्यों नहीं यूज़ कर रहा जब मैं आराम कर ही रहा हूँ। क्या यार, मतलब फीचर है तो यूज़ करना चाहिए ना। मैं बिंदास बस हैंडल पकड़ के क्रूज़ कर रहा था, फिर अचानक से ध्यान आया कि यार क्रूज़ कंट्रोल तो है ही। तो ऐसे जो क्रूज़ कर रहा था तो उसमें लेफ्ट हैंड को आराम मिल रहा था, अभी लेफ्ट हैंड से बाइक को पकड़ूंगा, एक्सेलरेटर छोड़ दिया मैंने और अब राइट हैंड को आराम से थाई पे रख के रेस्ट करते हुए चलाऊँगा। एंड जस्ट इन केस बंद करना हो तो बस मेरे को ब्रेक मारना है और बाइक धीमी हो जाएगी एंड क्रूज कंट्रोल भी ऑफ हो जाएगा उसमें। जैसे यहाँ स्पीड ब्रेकर आया मैंने ब्रेक को बस टच किया एंड ऑफ। चलो ऑफ ही कर देते हैं, अभी ज़्यादा फीचर भी मज़ा नहीं लेना चाहिए रोड पे।